गणेश जी की सूंड यहाँ पे पड़ी है, पेट वहां पे पड़ा है, सर वहां पे पड़ा है, और जब जा रहे हो तो आपका पैर। हाँ, तो आपने स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो देखी लाऊंगा जो कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ सलमान खान का, क्योंकि सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जहाँ पे गणेश जी के बारे में वो क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, गौर से वीडियो सुनना, उसके बाद बात करते। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। लाओ इको फ्रेंडली गणेश और अपने सोसाइटी, अपने बिल्डिंग, अपने घर में ही उसका विसर्जन करो ताकि वो एकदम भूल जाए। अब कितना खराब लगता है कि आप लोग वो क्या है वो पीओपी वगैरह में बना लेते हो और फिर उसका विसर्जन होता है, तो अच्छा लगता है कि जब समुंदर पे जाओ तो आधा गणेश यहाँ पे पड़ा है, गणेश जी की सूंड यहाँ पे पड़ी है, पेट वहाँ पे पड़ा है, सर वहाँ पे पड़ा है, और जब जा रहे हो तो आपका पैर उनके ऊपर लग रहा है। अच्छी बात नहीं है। और इतना प्योर फेस्टिवल है, त्योहार है, उसमें इम्प्योर गणेश जी को भी प्योर होना चाहिए ना। हाँ, तो आपने सलमान खान का छोटा सा वीडियो देख लिया हो जहाँ पे सलमान खान ने गणेश जी के बारे में क्या बोला। आप सोशल मीडिया वीडियो इनके वायरल होता है जहाँ पे कई सारे लोग जम के सलमान खान को हेट भी दे रहे और कई सारे लोग बोल रहे बात सही है, कहीं ना कहीं तारीफ भी कर रहे सलमान खान की। लेकिन कई सारे लोग ये बोल रहे भाई तू तेरे धर्म के बारे में देख, तू नमाज के बारे में देख, तू ईद के बारे में देख, तू गणेश जी के बारे में कैसा बोल। आप सलमान खान ने जो बोला आपने गौर से सुना होगा, सलमान खान ने बोला, क्योंकि आप सभी को बताऊंगा पूरे इंडिया भर में कई सारे हिंदू भाई त्यौहार मनाएंगे, गणेश जी बिठाएंगे, आरती वगैरह फिर उनको जाके डुबाएंगे, आप सभी को बताऊंगा। तो सलमान खान ने क्लियरली बोला है मतलब त्यौहार मनाओ लेकिन जो गणेश जी की जो मूर्ति आती है वो एक ऐसी चीज़ से बनाओ जो पिघल जाए, ना कि पीयूपी वगैरह से बनाओ। उसके बाद अगर आप समंदर में जाते हैं नहाते वगैरह तो आपके पैर वगैरह में आपके मतलब कहीं ना कहीं मतलब बेद भी होती है। मतलब आप सुधारो, सलमान खान ने क्लियर कहना था कि आप अच्छी सी मूर्ति बनाओ लेकिन ऐसी बनाओ कि अगर समंदर में उसे डुबाते हो तो वो डायरेक्ट मिट्टी में मिल जाए, ना कि पीयूपी में मतलब बनी हुई या फिर कुछ हाथ मतलब सारी चीज़ें रहे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसर्ट होती है गणेश जी के। मतलब सलमान खान का कहने का मतलब था कुछ ऐसा करो जिसके वजह से गणेश जी की पूरी तरह से मूर्ति मुड़ जाए समंदर के अंदर, ताकि हम जब समंदर में जाए तो हाथ वगैरह पैर वगैरह मतलब हमारे बीच में ना आए। तो इसी पर कई सारे लोग कहना है कि भाई तूने बोला कैसा, ये वाली चीज़ तू नहीं बोल सकता, तू बकरीद पे बोल, तू ईद पे बोल। लेकिन कई सारे लोग ये बोल रहे कि नहीं, सलमान खान ने बात तो सही बोला, उन्होंने खुद के मतलब जो हिंदू भाई उनके धर्म के बारे में बोला कि भाई ये सारी चीज़ें मत करो, इससे गणेश जी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ गलत होती है कि जब पीयूपी पूरी तरह से मूर्ति नहीं, आप सभी को बताऊंगा अगर पानी में अगर पीयूपी छोड़ेंगे तो पूरी तरह से पानी में वो मूर्ति नहीं है, लेकिन अगर मट्टी का प्योर बनाएंगे तो मट्टी पूरी तरह से मिक्स हो जाती है। तो अब इसे में कई सारे लोगों का कहना है कि अभी सलमान खान ने सही बोला, कई सारों का कहना है कि सलमान खान ने ऐसा क्यों बोलना था। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, सलमान खान ने जो बोला सही बात है गलत बात है, या फिर सारी चीज़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुँचे।